नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी पर। दोस्तों, RBC क्लास 8 का इंग्लिश विषय का पेपर बताने वाला हूँ, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 2020 में। मार्च में आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट है, 12 मार्च से आपके एग्ज़ाम है। तो आपको इंग्लिश विषय के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं, और ये मॉडल पेपर 2 है। आप ऐसा मत समझिएगा यही पेपर आपके बोर्ड एग्ज़ाम आएगा। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाया है इंग्लिश विषय का, जिसमें मैंने मॉडल पेपर 1 बताया है और इसमें आपको मॉडल पेपर 2 बताने वाला हूँ। तो ये पेपर में आपके 2.5 घंटे का पेपर है और 80 नंबर का पेपर रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, उस पर अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, डाउटमेंट पे आप मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन हो उसे क्रॉप करके सेंड कर सकते हो। आपका आंसर तुरंत ही वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। डाउटमेंट पे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। डाउटमेंट के ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए डाउनलोड कीजिए। क्योंकि दोस्तों, बोर्ड एग्जाम अगर आपको 90% लाना है तो ये ऐप के लिए बहुत ही इंस्टॉल कीजिए, अभी इंस्टॉल कीजिए डाउनलोड। तो दोस्तों, मैंने अभी जो आपको डाउटनेट का ऐप बताया, उस डाउटनेट पे आप क्लास 6 से क्लास 12 तक JEE मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो डाउटनेट के ऐप को अभी डाउनलोड करें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो वीडियो के टाइटल पे क्लिक कीजिए और अभी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो देखिए, हम यहाँ से आपको पहले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए, आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। तो डायरेक्ट हम चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देखिए, चूज द करेक्ट आंसर, आपको आंसर चूज करने हैं। जैसे कि देखिए, द ईयर्स ऑफ सेक्रीफाइसेस हैज इनेबल्ड हिम टू फुलफिल हिज एम्बिशन। ये एम्बिशन का मतलब क्या होता है? तो एम्बिशन का मतलब होता है इच्छा। तो देखिए, हम बता सकते हैं डिज़ायर क्या होती है, इच्छा होती है, जो इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर देखिए, अमल इज़ अ चाइल्ड, तो यहाँ पे क्या लिखा, अमल इज़ अ चाइल्ड। अब यहाँ पे अमल एक जो बच्चा है, तो हु, अब देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, वो कोई इंडिविजुअल किसका नाम हो, तुम क्या लगते हैं हु का प्रयोग करते हैं, तो क्या आएगा, हु आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू एन एलिफेंट। एलिफेंट से रिलेटेड नहीं है, हॉर्न, टस्क, ईयर, आइस। हॉर्न क्या होते हैं, सिंग होते हैं। एलिफेंट के सिंग होते हैं क्या, नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर देखिए, कैन ह्यूमन बींग ह्यूमन बी रिप्लेस्ड इन, अब इन होगा, बाई होगा, ऑफ होगा या फिर ऑन होगा। तो इसमें आप देख लीजिए, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज अ डिफरेंट साउंड। देखिए, फार्मर, हैप्पी, कैटल या फिर ग्लैड, तो कौन सा एक अलग होगा, तो बताना है। अगर आप इस पेपर की संपूर्ण सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं, संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है घंटी, उसको दबाइए, क्योंकि मैं सॉल्यूशन बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं। तो जैसे मैं अपलोड करता हूं, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। तो यहाँ देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, या 6th क्वेश्चन है, लोटस ऑलवेज ब्लमड, ब्लूम्स, ब्लम या फिर हैज़ ब्लम्ड। तो देखिए, किसी वाक्य में ऑलवेज आता है तो क्या लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल का मतलब एस या ई एस, तो प्रेजेंट सिंपल एस ई एस लगा हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे, लोटस का होगा, ब्लम्स हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए, फॉर्म केम आउट ऑफ हिज माउथ, ही, अब उनके मुंह से आया, तो इसमें क्या लिखेंगे, ही वाज क्राइंग होगा, ही वर क्राइंग। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें कौन सा होगा, वाज क्राइंग होगा या फिर क्राइड, ही क्राइड विथ पेन, तो ही क्राइड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पार्ट सेकंड वाला। तो पार्ट सेकंड में क्या है, ग्रामर पोर्शन है, तो सारा ग्रामर ही आता है, बाकी तो आपके थोड़े से पैसेज वगैरह वो किताब से आ सकते हैं। अब देखिए, पार्ट सेकंड की तरफ में आपको बनाना है ऐड और लाइस से बनाना है। तो देखिए, इमीडिएटली तो ली आएगा, और इसमें एस्टोनिस्ट में एस्टोनिस्ट होगा, ई डी लग जाएगा। ठीक है, इसमें आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी, ये 2 नंबर का प्रश्न आपको मिल गया। अगला आता है हमारा, वो है देखिए राइट फुल, देखिए आपको बहुवचन बनाना है, तो कंट्री का क्या होगा, पीछे क्या लगा, वाई लगा, तो वाई को कट कर देंगे और आई ई एस लगा देंगे। फिर आपका रिवर है, तो इसमें कर देंगे रिवर्स, वही 2 नंबर मिल गया आपको। फिर देखिए, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, तो वर्ड्स हमको मिसिंग लेटर बनाना है, जैसे कि क्या है, तो टेलीविजन लग रहा है हमें, देखिए टेलीविजन, तो टी ई टेलीविजन होगा, तो ये हो गया। फिर इसमें ये करना है हमारा, ये वाला, तो इसमें देखिए लैंग्वेज, तो ये होगा आपका, इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बढ़ दिया हमने, तो ये भी आएगा 2 नंबर होगा। फिर देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड्स विथ करेक्ट स्पेलिंग्स एंड
रीराइट देम। अब आपको आपको कौन सा गलत है वो बताना है। द भिक्षु वाज, अब देखिए वाज में डब्ल्यू ए ऐसा आना चाहिए, इसने ई क्या फिर साइलेंट की स्पेलिंग सही है। फॉर ए लैंग, लैंग नहीं होगा, क्या होगा, लॉन्ग टाइम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दो नंबर आपको मिल गए। फिर आता है आई ब्रॉट ए बाइक, आई माइट रीच स्कूल ऑन टाइम, आई ब्रॉट ए बाइक सो दैट, इसमें आ जाएगा सो दैट। अगला है यूज, देखिए पंक्चुएशन मार्क्स होता है कोमा, अब पंक्चुएशन मार्क्स करने हैं, वाई आर यू, तो देखिए क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और क्योंकि वाई लगा हुआ है, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, फूड इज रेडी शर, तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, ठीक है। अरेंज द वर्ड्स इन द प्रॉपर, देखिए यहाँ पे आपको बताना है ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, तो क्या करना है आपको, देखिए द फ्लो, देखिए क्या करना है आपको, इनमें से क्या लगाना है और क्या आपको करना है। तो इसमें क्या होगा, द फ्लो ऑफ द वाटर वाज फास्ट, ठीक है, पानी का भाव क्या था, तेज था। फिर अगला हमारा ये है, देखिए क्या है थोड़ा सा इससे, इच पेन योर नाइस रोशनी, तो इसमें क्या होगा, रोशनी योर पेन इज नाइस, ठीक है, इसमें कर देंगे, दो नंबर आपको मिल गए। अगला प्रश्न आता है आपको, देखिए जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको एज लॉन्ग एज का प्रयोग करना है, वी हेल्प अदर्स एज लॉन्ग एज अदर्स ऑल्सो हेल्प अस, इसमें क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक बनना है, तो देखिए मेजोरिटी ऑफ रोड, इसमें क्या आएगा, सेफ आएगा, ड्राइवर आएगा, एक्सीडेंट से एक्सीडेंट, ठीक है। फिर राइट होगा क्या होगा, तो आप इसे भर सकते हैं। तो देखिए अगर मेरा आगा पार्ट थर्ड आता है, तो उसमें क्या आगा, आपको पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर देना है, और इस क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट नंबर के आपको प्रश्न उत्तर मिल रहे हैं, तो अच्छे खासे मिलेंगे। देखिए इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसका आप इस स्क्रीन शॉट ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा बन जाएगा, इस कारण से मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ा बने। लास्ट अगला प्रश्न आता है मेरा, तो ये भी देखिए मॉडल पेपर की तरह है, सॉरी आपको पैसेज की तरह है, तो आप इससे आसान से पढ़ सकते हैं। वैसे पैसेज तो बहुत ज़्यादा ईजी आते हैं आपके लिए, आप देख ही सकते हैं। और अब ये प्रश्न आता है चॉइस हुआ, देखिए इसमें आपको 23 प्रश्न है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द टाइम्स और इवेंट्स। अब जो संस्कृत में आपका जो 5 नंबर का आता है ना, उसी प्रकार इसमें भी पूछा जाता है कि आपको रीअरेंज करना, कि पहला इसमें नंबर आएगा, फिर आपको तीसरा कौन सा उसमें प्रकार से करना है। तो पहले आएगा देखिए, वंस ए हंटर स्पेंड ए नेट इन ए फॉरेस्ट, ये आएगा पहले वाला, ठीक है। एक फिर आप इसे ज्वाइन करते रहे, वैसे मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊँगा, आपके लिए अलग से स्पेशल वीडियो बनेगा तो सॉल्यूशन वाला। अब इसमें देखिए, इमेजिन दैट यू आर ए रविशंकर फ्रॉम अलवर, योर फ्रेंड हैज़ फॉलन इल, राइट लेटर टू हिम, आस्क हिम टू टेल अबाउट योर इलनेस, यू मे ऑल्सो यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखिए आपको सपोज करना है कि आपके जो आप रविशंकर हैं अलवर से, और आपका जो मित्र है वो थोड़ा बीमार हो गया, तो आपको उनको एक लेटर लिखना है, आस्क हिम टू टेल अबाउट योर इलनेस, उनकी जो बीमारी के बारे में बताना है और उनमें सिकनेस के बारे में, और आपको पॉइंट दे रखे हैं जिससे आपको आराम से कर सकते हैं, हिंट आपको दे रखे हैं, द काइंड ऑफ इलनेस, किस प्रकार से आपको इलनेस हुई है, द एडवाइस टू कंसल्ट ए डॉक्टर, आपको उनको मतलब सलाह देनी है डॉक्टर की, फिर एडवाइस अबाउट फूड, अब आपको फूड के अनुसार एडवाइस देनी है, तो इसमें आपको प्रोफार्मा दे रखा है, आपको फॉर्मेट दे रखा है, तो किस प्रकार से आपको लिखना है ये भी देख सकते हैं आप, ठीक है, इसका फॉर्मेट पूरा देख लीजिएगा। तो ये जो पेपर है और 2500 क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट आंसर, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 70-80 वर्ड्स, ए पिकनिक, पिकनिक पर आपको लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, और ये पैराग्राफ आपको 10 नंबर का आता है, कहता है 10 नंबर का आता है, और इसमें आपको अथवा में भी दे रखा है कि अगर आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है तो आप इसकी जगह कोई दूसरा भी लिख सकते हैं, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70-80 वर्ड्स विद हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस में आपको लिखना है। तो देखिए आप इसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं, फाइन हो गया, वेदर हो गया, प्ले हो गया, टेक फुट फोटोग्राफ्स, इस प्रकार से, और आपको शॉर्ट इन 70-80 वर्ड्स, ठीक है, फुल लिख सकते हैं, और मैंने आपको दे दिया है, तो ठीक है। तो आपको अच्छा वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन दबा लें, और जैसे ही आपका पेपर आता है, मतलब मैं आपके लिए नेक्स्ट पेपर लेके आता हूँ सॉल्यूशन का, तो उसमें आपको सबसे पहले वीडियो बना के मिल जाएगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि जैसे ही आपको नए वीडियो आता है सॉल्यूशन का, मैं जैसे ही नए वीडियो लेके आता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो पास में बेल आइकन आता है उसको दबा लीजिएगा।
तो सारे मॉडल मिलेंगे, गणित के, हिंदी के, इंग्लिश के, संस्कृत के, सामाजिक के, विज्ञान के, सभी के मिलेंगे। तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।